भगवान का खेल भी जो है निराला है नंदू नानी। अभी आए चलिए और तुम्हारे बारे में सोचिंग और तुम यहाँ इबीरा अभी नशे में, ये सही मौका है इसकी असलियत पूछने का। अब वैसे बहुत दिल से याद किया होगा ना तुमने, हमसे दोस्ती कर लो। मजबूरी में इंसान को काका करना पड़ता है। अजीब कुछ कहा आपने? अब नहीं। अब जल्दी से इस वीडियो को ना आकाश को भेज दे ताकि उसे भी पता चले जिस नंदुरिया बंदरिया को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना चाहता है ना वो इस भूरे बंदर के साथ ढाई अक्षर प्रेम की पढ़ रही है। अंग्रेजी रुक, तुम इतनी रात को इस बीरा के साथ क्या कर रही हो? वो भी तभी जब ये नशे के हालत में। बोलो रूम में जाओ। देखिए अभी हमें कुछ काम है। मैंने कहा आपने रूम में जाओ। एक फिर सुनाएगा? सुनाइए इरशाद इरशाद। कैसे बताएं हम अपनी साते दिमाग की बढ़ाई हमने करवा दी है आकाश और नंदिनी की लड़ाई। आज से आकाश नंदिनी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। कौन है? अरे क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत जिसकी खुशी में आज तुम टांग उठा उठा के नाच रहे थे ना, वही है मुसीबत। हाँ तुम है हूँ यही सब करते रहना बस। वहाँ वो प्रिया इस भारद्वाज खानदान को ना इस घर का वंशज दे ही देगी। अरे खोलना क्या चाहती हो तुम? समझो ना। क्या समझो? ये चंटो मेरी दादी। रे बहुत बड़ी व्यापारी बन गई है रे तू। अरे बाकी व्यापारी तो तुम भी बेचते थे साबुन बेचते, तू तो शर्म बेचती है रे।
गाड़ी थारी कैसी बातें कर रही हैं? जो औरत अपने पति के होते सोते दूसरे आदमी के साथ हाथ में चोरी खेलती वो शर्म ही तो बेचती है। और नहीं तो क्या, मुझे तो लगता था गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, पर तुम तो चतुर चंड चालाक तीनों होने के साथ साथ पच्चलन भी निकली। चाची मर्यादा में रहकर बात कीजिए। अच्छा, और तू मर्यादा लांगती फिरे? अरे वाह आकाश बाबा, ऐसी धर्म पत्नी पाई है, बातें तो बड़ी बड़ी और हरकतें गिरी। बस कीजिए आप लोग, हमारा चरित्र आज भी कोरे कागज की तरह साफ है। हमारी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान का नाम लिखा है, आकाश भारद्वाज। बड़ी बड़ी बातें करके तूने का सोचा बच के निकल जाएगी, तेरे को तो इसकी सजा देके रहेंगे। लेके चल इसको, छोड़ इसको, चलता चल। वो कहावत सुनिए ना, प्यार में आग का दरिया पार करके जाना होता है, और हमने आना चंटू मैया प्यार में गरम गरम तवे से जलना होता है। जला दे काम, गरम गरम चटके पड़ेंगे ना। से दोस्ती का असर ना तुम्हारी हरकतों में साफ साफ दिख रहा है। बड़ी दादी, चाची चलिए यहां से। छुट्टी, कम से कम सच तो सुनते जाइए, तब प्यार करते, तब भरोसा करते। किस बात की मस्ती है आपकी? भला किस किस्मत में सिर्फ सच दच के तैयार होना और घर का काम करना होता है? काए, काए, बार बार आप अपने साथ ऐसा करते, काए भला? हटो यहाँ से, हटो। कहाँ गायब होगी, ऐसे कैसे जा सकती है? तुम फिर बीच में आ गए, हटो यहाँ से। अरे बेबी क्या हो गया, क्यों इतना परेशान लग रही हो, क्या ढूंढ रही हो? अरे मेरी हाई हील्स वाली सैंडल नहीं मिल रही, कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। देख चुकी हूँ यहाँ। भाभी गायब नहीं हुई है। तो हमने संभाल के रख दिया, आज से आप उन्हें पहनेंगी। व्हाट, तुमने हाथ कैसे लगाया मेरी सैंडल्स को, और तुम ऑर्डर चलाओगी अब मुझ पर? आर्डर मतलब? मतलब गवार, तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? भाभी हुक्म नहीं, हम तो बस आपकी परवाह कर रहे हैं। दादी माँ ने कहा है कि आपका ख्याल रखे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो खानदान में आने वाला नया बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। भाभी देखिए, अब आप पे सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, एक नए जीवन की भी जिम्मेदारी है। ये दूध पी लीजिए,
मुझे नहीं पीना दूध, और इसको बोल दो कि मैं इसकी बात नहीं मानूंगी। डार्लिंग ये कुछ गलत नहीं बोल रही नंदनी, हाई हील्स वाली सैंडल पहनोगी तो गिर गिर सकती हो, समझो इस बात को। वाह, तुम भी इसकी जुबान बोलने लगे। डार्लिंग मैं इसकी जुबान नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ शट अप। दिमाग खराब कर रखा है। भाभी, भाभी पति परमेश्वर होते उनसे ऐसे बात नहीं करते। खैर वो सब छोड़िए, हम बस आपको ये बताने के लिए आए थे कि आज से आप ऊंची कील वाली चप्पलें नहीं पहनेंगे। माफ कीजिए, लेकिन हम ये सब अपने भतीजे या भतीजी के लिए ही कर रहे हैं। दूध पी लीजिए। निकल जाओ। चलो भैया जी। डार्लिंग दूध ही तो देके गई थी, तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत। लीजिए। मुझे नहीं पीना। अब हमसे गुस्सा है ठीक है, पर खाने पर तो गुस्सा मत निकालिए। मैं तुमसे गुस्सा हूँ? गुस्सा उनसे हो जाता है जिनसे कोई उम्मीद होती है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ? लीजिए ना। कर रही हो नंदू जी? अरे परवाह उनकी करी जाती है जिनको प्यार की कदर होती है, मगर ये जो अंग्रेज है इसको ना तुम्हारी कदर है ना तुम्हारे प्यार की, तो काहे पीछे पड़ी रहती हो इनके? ऐसा करो हमारे पीछे पड़ो, क्योंकि हमें है तुम्हारे प्यार की कदर। कहा बात है नंदू जी, केले का शरबत हमें अमृत से कम नहीं लग रहा? वैसे केले का शरबत नहीं, बनाना मिल्क शेक है, और इसे बैठ के पीते। आओ बैठ जाओ। आओ कहा बनियान शेक? बनाना मिल्क शेक। सही, सब छोड़ो, हमका एक बार बताओ, तुमको हमका आजकल बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिख रहे हैं आजकल, है? बड़ा मेहरबान हो रही हो हम पे, है? तुम्हारा व्यवहार समझ नहीं आ रहा हमें। वैसे हम जानते हैं का? तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं। हाँ? लेकिन वो दुलारी जी, उन्होंने तो तुम्हारा मन और हुलिया दोनों ही खराब करके रखा है। क्या बात कर रही हो? वैसे एक बात पूछे, सच सच बताओगे? क्या बात है, पूछो हमसे। ये दुलारी जी तुम्हारी अम्मा नहीं है ना? कौन बोला तुमको ही? मतलब सच में तुम्हारी अम्मा नहीं है? बताओ। अरे नहीं नहीं, दुलारी हमारी असली अम्मा है, और भारद्वाज जी हमारे पिता हैं, पिता हैं हमारे वो। ये पीरा खासा, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आज इस पीरा का सच उगलवाना ही होगा, काहे कि सच सामने लाने के बाद ही हम अंग्रेजी हीरो को हो रही गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। दुलारी जी, सच में तुम्हारी अम्मा नहीं है ना? हमारी अम्मा ही है वो। देखो हम जानते हैं तुम दोनों का कोई मेल नहीं है, तुम अच्छे इंसान और इतनी बुरी औरत, कोई मेल नहीं है, बताओ ना हमें। अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो बताते हैं तुमको। ए नंदू जी, अब जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं ना, देखो बहुत बड़ी बात है वो। ये जो बात है ना, तुम्हारे हमारे बीच में रहनी चाहिए, वो बताना मत किसी को। पक्का पक्का, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। बोलो। ये जो दुलारी है ना, दुलारी दुलारी का
झुला रही है वो हमारी, वो हमारी माँ। हे बीरा, हे बीरा, तू झुला रही के बाज, हम जा रहे। सच सामने आने ही वाला था। दुलारी ने गलत वक्त पर आवाज दे दी, पर कोई बात नहीं, हमें इतना तो पता चल गया कि ये दुलारी और बीरा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे, और सच का पता हम लगा कर रहेंगे। नंदनी इतनी रात को बाहर कहां जा रही है? क्या खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में? क्या बात है, इतनी रात को ऐसे कहीं बुलाई? हमें तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, ये देखो। ये तुम्हारे गांव हरिनगर का है ना? सरगम स्टूडियो वही का है ना? बस तुम्हें पता लगाना है कि लोग कौन है, कहां से है, क्या करते हैं। हाँ, लेकिन हुआ का है ये तो बताओगी? हम तुम्हें सब समझाएंगे, पर पहले ये सब पता लगाओ। और जिस नंबर से हमने तुम्हें फोन किया था उसी नंबर पे फोन करना, वो हमारे काम करने वाली सुनीता दीदी का है। ठीक है। शर्मी की हद हो गई अब तो, बीरा से मिलने ये नंदनी रात रात को उठ के भी जाने लगी है। बस भगवान, मुरली जल्दी से इन माँ बेटी की खबर ले आए, फिर इन माँ बेटों को घर से बाहर निकलवा देंगे। बहुत सता लिया इन्होंने हमारे परिवार को। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। क्या शातिर दिमाग है, पहले खुद आई फिर बीरा को बुलाए। लेकिन तुम्हारी ये शातिरगिरी मुझ पे काम नहीं करेगी नंदनी, कल मैं सब कुछ जाके दादी को बता दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम, नंदनी कभी ऐसा नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती दादी माँ? आधी रात को उस बीरा से मिलके तुम इस खानदान की इज्जत को तार तार नहीं कर सकते। नंदनी सुनो बेटा, वो नहीं दादी माँ, आज तक हमने सबकी बात सुनी है, पर वो भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा। एक औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने चरित्र पर दाग नहीं सह सकती। और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लगाया जाए। भी हुई अंग्रेजी हीरो को। बड़ी बड़ी बातें करने से ना तुम्हारा सच छुपने वाला नहीं है। और दादी, मुझे इसके और बीरा के मिलने से कोई ऐतराज नहीं है। मैं बस आपको इतना बोलने आया था कि इसको
इसको इसका जीवन साथी मिल गया है। प्लीज प्लीज मुझसे इसकी जिम्मेदारी वापस ले लीजिए प्लीज। और वैसे भी आपने मेरी शादी जबरदस्ती कराई थी ना बिना मेरी मर्जी के, और नंदनी और बीरा इस बात का सबूत है कि जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इसलिए आज आज अभी इसी वक्त मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को तोड़ता हूं। आकाश सोच समझ के बात करो। हमें नहीं पता था मामा पर इतना बड़ा बोझ है। ठीक है, जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर देंगे आपको, पर उससे पहले हमारा एक जरूरी काम है। उसे पूरा करने के बाद आपको ये जबरदस्ती का रिश्ता और नहीं ढोना पड़ेगा। हाँ प्लीज प्लीज चली जाओ, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं अब और तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आकाश खड़ी हो जाओ नंदिनी, रो मत। हम नहीं जानते कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि तुम हमारे यकीन को कभी नहीं तोड़ोगी। काश ये यकीन अंग्रेजी हीरो को भी होता हम पर। हमने उनका दिल जीतने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए, इस परिवार की सेवा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है दादी माँ, फिर भी हर बार अग्नि परीक्षा हमें क्यों देनी पड़ती है? डरती है दादी माँ, हमने दानों कहते थे कि जिसके साथ उसका पूरा परिवार हो वो कोई भी लड़ाई जीत सकता है, पर अमृतसर तो हमारे पति ही नहीं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.